हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए 1.5 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी। पूरा आप लोगों के लिए मैंने प्लानर बना करके रखा है, पूरा मिनट बाय मिनट प्लानर बना करके रखा है, और बहुत सोच समझ करके ये प्लानर बनाया गया है। तो इसको प्लीज ढंग से पढ़िएगा। ये वीडियो अभी आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर लो। आपको ये देखना होगा एग्जाम वाले दिन शाम को। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जब आपका अकाउंट्स का पेपर होगा तो जैसे ही आप पेपर दे करके आओगे तो तुरंत, बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इंक्लूडिंग माइसेल्फ। जब मैं खुद इंटर का पेपर देकर के आया था तो मुझसे पढ़ाई तुरंत शुरू नहीं हुई थी। तो आप लोगों का फ्लो बनाने के लिए, आप लोगों को पुश करने के लिए मैं लाइव आने वाला हूँ, और लाइव आप लोगों के साथ सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाला हूँ, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। और पूरा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिविजन होगा वो लाइव होने वाला है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस का जो चैप्टर है उसका भी अपन लाइव रिविजन करने वाले हैं, अगर मेरा टाइम और तुम्हारा पेशेंस अगर क्या करेगा, परमिट करेगा, तो हम वो करेंगे। पर मैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आपको शाम को लाइव रिवीजन करवाने वाला हूं दोस्तों। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा डिटेल प्लानर है लॉ का, ये इसके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पर ये आपको कहां पे मिलेगा सर? जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे आपको ये पूरे जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। कुछ बातें फटाफट बता देता हूं, सुन लो, आप लोगों का समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, देखो थियरी पेपर को क्रैक करने का दो ही तरीका है। पहला ये है कि आप 1.5 डेज में पूरा 100% रिविजन कर लें, और दूसरा जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको 1.5 दिन तक याद रखें। मतलब अगर आज अकाउंट्स की शाम को आकर के आपने कोई चीज पढ़ाई की है तो उसको इस तरीके से पढ़े कि एग्जाम के समय उसको याद आए आपको। ऐसा नहीं कि यार परसों पढ़ा था तो भूल गया। तो ये दो स्ट्रैटेजी है जो हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब सर, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि रिविजन वीडियो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। जबकि मेरे खुद के रैपिड रिविजन, मेरे खुद के मैराथॉन्स हैं पूरे के पूरे, बट आई वुड सजेस्ट जितना आप खुद से पढ़ सके उतना खुद से पढ़िएगा। पर अगर आपको कहीं पे लग रहा है यार मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, या मेरे को नॉर्मल से ज्यादा टाइम लग रहा है, या मेरे को सुन करके एक बार मैं पढ़ लूंगा ना तो मेरा ज्यादा स्पीड हो जाएगा, तो वहां पर रिविजन वीडियो आना चाहिए। पर जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं जैसे कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हो गया, ये सब आप जितना खुद से करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि रिवीजन वीडियो का यूज कम से कम करें। पर अगर आप यूज करेंगे तो क्या रिवीजन वीडियो है नहीं है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। उसके अलावा दोस्तों, ये जो प्लान है ना, ये मेरा प्लान है। अब ये वो चीज है जो मैं अगर पढ़ रहा होता तो मैं करता है, या मैं अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा। आपके पास ये प्लान, कोई प्लान नहीं है तो ये प्लान को फॉलो कर लो। पर अगर आपके पास कोई प्लान ऑलरेडी खुद का बनाया हुआ है तो आपको ये प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ शाम को मेरे साथ लाइव रिविजन कर लेना, ताकि आप बाकी लोगों से ढीले ना करो शुरू करने में, आप एकदम जोश में समय पर शुरू कर दो। तो 7 बजे अपन शाम को शुरू करेंगे। पर उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को अदर लॉ पहले लेना चाहिए, मेरे को कॉर्पोरेट लॉ पहले लेना चाहिए, अब अगर आप देखोगे तो अदर लॉ को मैंने सेकेंड डे पे डाला है, शाम को पूरा अदर लॉ डाला है। क्योंकि ये शाम का टाइम ना, तुम शायद थोड़ा सा थक जाओगे, मान लो 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद थोड़ा सा थक सकते हो, तो तभी मैंने ये चैप्टर यहाँ पे डाले, क्योंकि ये चैप्टर दिमाग में घुसते हैं। और अगर ये नहीं भी घुसेंगे ना तो आप रिविजन वीडियो भी देखोगे ना, आपको उतना ही समझ आएगा जितना खुद से पढ़ के समझ आएगा। तो इसलिए मैंने इसको अगले दिन शाम को डाला है। बट अगर आप इसको पहले दिन शाम को डालना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट योर ओन कन्वीनियंस, जिसको मैं कहता हूं सुनो सबकी पर करो खुद की। उसके बाद सर, रिविजन वीडियो का मैंने आपको बता दिया था। ग्रुप पे आपने बोला कि सर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर शाम को रिविजन ले लो, पर वो लेना सही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग चाहिए, और इतना रट्टा चाहिए उसमें कि आप वो चीजें शाम को नहीं कर पाओगे। बेटर टू डू इट फ्रेश इन द नेक्स्ट डे। तो मैंने अगले दिन सुबह जो है आपका पहला चैप्टर क्या रखा है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का रखा है। उसके बाद सर कितनी देर सोना है, कितने देर ब्रेक लेना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और उसके अलावा बस इतनी ही सारी बातें। एक लास्ट बात आपको बता देता हूं, आप लोगों के लॉ के लिए क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होंगे। रैपिड रिवीजन है सर 30 घंटे का, फास्ट ट्रैक रिवीजन है जो 15 घंटे का, उसी चीज को बार बार रिपीट ना करते हुए फुल स्पीड में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूं, बस आपको अभी तो कोई मतलब नहीं है, आपको अकाउंट्स पेपर के बाद लगेगा, वो मैं आपको दे दूंगा। समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक पूरे ओपन है, एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई का है, और आरटीपी एमटीपी आईसीआई का है। ये सारी चीजें बस मोर देन एनफ है, एग्जेम्पशन आ जाएगा दोस्त, बस बी पॉजिटिव। उसके पहले अकाउंट्स का पेपर चीर फाड़ कर लो, फिर भाई ये तुम्हारा पास करा देगा, टेंशन मत लो। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, बहुत सारे इस तरह की चीजें आपके लिए आने वाले हैं के पेपर के लिए। तो चैनल के साथ बने रहे, डू मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको तो पता है योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन, तो जरूर 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
I will see you in the next video. Until then, this is CA Shubham Singhal signing off.